नॉलेज मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी बनाते हुए जब उसके लिए हम प्लान बना रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लीडरशिप का क्या, क्या रोल है नॉलेज मैनेजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन में उसकी स्ट्रेटजी की फेज पे लीडरशिप जो है उसका रोल क्या है लीडरशिप कितनी टाइप्स की होती है तो आइए देखते हैं कि लीडरशिप प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन नॉलेज मैनेजमेंट एज़ इट हेल्प्स डिटर्मिन द टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन्स दैट विल टेक प्लेस कि किस तरह का इंट्रैक्शन होने हैं उसको वो डिटरमिन करेगी इंक्लूडिंग नॉलेज शेयरिंग इंटरेक्शनस के नॉलेज शेयरिंग किस तरह से इदारे में करानी है तो इसके लिए इम्पोर्टेंट रोल जो है वो नॉलेज uh, मैनेजमेंट की जो लीडरशिप है वो प्रोवाइड करेगी लीडरशिप हेल्प शेप द कल्चर एंड प्लेज अ की रोल इन एस्टेबलिशिंग इंसेंटि एंड डिसव्स फॉर ऑर्गनाइजेशनल बिहेवियर्स ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉज़ का जिस तरह का बिहेवियर है अगर वो नॉलेज मैनेजमेंट के लिए नॉलेज शेयरिंग के लिए पॉजिटिव है तो उनके लिए इंसेंटिव्स रखने हैं अगर वो नेगेटिव है तो उनको कुछ इंसेंटिव्स उनसे वापस लेने हैं जिसको यहाँ पर डिस इंसेंटिवस कहा गया तो ये काम लीडरशिप ने करना होता है लीडरशिप की हेल्प के बगैर ये काम हो नहीं सकता लीडरशिप कैन इम्पैक्ट ऑन टू ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस जब नॉलेज मैनेजमेंट का काम करना है तो वो काम कितना इफ़ेक्टिव है ये डिपेंड करता है कि लीडरशिप कैसी है जो इस काम को ले कर चल रही है तो जब हम लीडर्स की बात करते हैं तो लीडरशिप के स्टाइल्स हमें देखने चाहिए कि किसी भी इदारे में लीडरशिप किस स्टाइल की है तो ये जनरल मैनेजमेंट की थ्योरीज़ के मुताबिक लीडरशिप के डिफ़रेंट टाइप्स या स्टाइल्स हैं जिसमें ऑटोक्रेटिक वर्सेस डेमोक्रेटिक है ऑटोक्रेटिक क्या होता है के ऑफिसर जो है वो एक बॉस का रोल प्ले करता है और अपना हुक्म चला के अपने अपने जूनियर से काम लेता है और जूनियर्स की कम सुनता है जबकि डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि बॉस जो है वो बॉसिंग का स्टाइल नहीं रखता बल्कि वो एक मशवरे के अंदाज़ में कंसल्टेटिव स्टाइल में वो डेमोक्रेटिक इन्वामेंट के मुताबिक सबसे राय लेता है और उनकी रोशनी में ज़्यादातर फ़ैसला करता है तो ये एक फ़र्क है इन दोनों स्टाइल्स में उसके अलावा एक और कैटेगरी है टास्क ओरिएंटेड वर्सेस पीपल ओरिएंटेड कि टास्क पे फोकस करना है या लोगों की फ़लाह व बहबूद और जो एम्प्लॉज़ हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी अचीवमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है तो अगर टास्क पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाएगा तो आप फिर ज़्यादा आटोक्रेटिक की तरफ़ जाएंगे जबकि इसके मुकाबले में ह्यूमन बिहेवियर थ्योरी जो है वो ये कहती है कि इंसानों की फ़लाह बहबूद को ज़्यादा आगे रखा जाए और उसके साथ साथ जो है वो आपके जो टास्क रिलेटेड गोल्स हैं उनको अचीव किया जाए इसके बाद एक तीसरा जो मॉडल है इसमें जो थेरी है वो है कंटिनजेंसीज़ की थेरी कंटिनजेंसीज की लीडरशिप वो होती है कि कोई भी एक तरह का लीडर हर एनवायरनमेंट में सक्सेसफुल नहीं होता तो लीडर की जो सक्सेस है वो बेस करती है डिपेंड करती है किसी पे कि किसी ख़ास ऑर्गेनाइजेशन में किसी ख़ास कॉन्टेक्स्ट में एक तरह का लीडर कामयाब होता है लेकिन वही लीडर या उसी तरह का लीडर किसी दूसरे कंटेक्ट में जाके नाकाम भी हो सकता है इसको कंटेंजेंसी थ्योरी कहते हैं लीडरशिप की इसके अलावा ये है कि जब हम नॉलेज मैनेजमेंट की बात करेंगे तो एक नई टर्म सामने आई वो है नॉलेज औरड लीडरशिप ऐसी लीडरशिप जो नॉलेज मैनेजमेंट के काम को लेके चल सके लीडरशिप स्टाइल दैट इंक्लूड्स ऑल द मेजर के एम प्रोसेस के एम के जितने भी प्रोसेस हैं KM के एम के लाइफ साइकिल में उन सब से वो वाकिफ हो और वो उसको करने के लिए तैयार हो जैसे नॉलेज क्रिएशन है शेयरिंग है डिसेमिनेशन है प्रज़र्वेशन है और नॉलेज की एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन के बाद दोबारा से नॉलेज क्रिएट होता है ये एक लूप की शक्ल में यह साइकिल होता है तो इस सब के लिए वो जहनी तौर पर तैयार हो और उसके लिए अपने आप को पेश करे इट इज़ रिक्वायर्ड टू एड्रेस द टू मेजर गोल्स ऑफ के एम कि नॉलेज मैनेजमेंट के जो दो मेजर गोल्स हैं उसके लिए नॉलेज ओरिएंटेड लीडरशिप की ज़रूरत है और वो गोल्स क्या हैं एफिशिएंसी लाई जाए नॉलेज मैनेजमेंट के काम में और दूसरा ये है कि इनोवेशन लाई जाए एफिशिएंसी ये होती है कि थोड़े ख़र्च में आप ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट ले लें ले ले और इनोवेशन ये है कि आप काम को करने के नए नए तरीके सोचें और नए तरीक़ों के मुताबिक आप काम को करें जिससे आपके सामने कुछ अच्छे नतज जो है वो बरामद होने की तवक्को होगी